हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सिंगोनियम की प्लांट को आप कहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये कुछ सिंगोनियम की कटिंग्स लगाई थी, ये अच्छे से हो रहे हैं। ये मैंने इंडोर लगाया है, ये एक नोड मैंने यहाँ पे भी लगाया था, अभी इसमें भी एक छोटी सी पट्टी आ गई है। तो इसके पॉटिंग मिक्स के लिए आपको चाहिए 1/3 ऑर्गेनिक या वर्मी कंपोस्ट, 1/3 सॉइल, गार्डनिंग सॉइल, 1/3 सैंड, रिवर सैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसका एक कटिंग हैंगिंग पॉट में भी लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हैंगिंग प्लांटर में भी लगाया था, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये प्लांटर मैंने खुद ही बनाया था बोतल से, ये देखिए ये भी सुंदर से ग्रो कर रहा है। तो इसे मैंने अपनी बैल्कनी में लगाया है। सिंगोनियम को आप पार्शियल सनलाइट में लगा सकते हैं, इसे ज़्यादा धूप पसंद नहीं। अगर आप ज़्यादा धूप में इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ज़्यादा येलो हो जाएगा। मैंने इसे पहले बाहर रखा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे येलो हो गया है, अभी मैंने इसे इसलिए इंडोर्स रखा है। और इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं, सिर्फ़ इसका मिट्टी मॉइस्ट होना चाहिए और ड्रेनेज अच्छे से हो, ऐसा वाला आप टब लीजिए। तो इसको केयर करना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसकी पत्तियाँ साफ़ होना चाहिए ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना लगे। और इसे आप 20 दिनों बाद, 20-25 दिनों बाद ऐसे NPK का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और आप इसे पार्शियल सनलाइट में रखना अच्छा रहेगा। तो इसको केयर करना बहुत ही आसान है, ये इंडोर्स में ये एयर प्यूरीफायर का काम भी करता है। आप अगर इसे अपने घर में रखेंगे तो ये आपका, आपके घर का एयर भी प्यूरीफाई करता रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।